संख्या 42 और 45 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सरकार के द्वारा अनुदान मांगों में महत्वपूर्ण विभाग हैं, ऊर्जा है, पीएचडी विभाग है, गृह विभाग है, शिक्षा विभाग है और सड़क तंत्र विभाग है, इसको सम्मिलित नहीं किया, जबकि बहुत बड़े विभाग हैं, क्योंकि यहाँ सरकार का फेलियर है, इनमें कोई व्यवस्था नहीं की है, कोई काम नहीं किया है, इन पे वाद विवाद चाहते ही नहीं थे, ना इन पे चर्चा करना चाहते थे, इसलिए प्रमुख महत्वपूर्ण विभागों को भी नकारा गया है। ये सरकार की नकारात्मक शैली को पर्दा डालने के लिए नाकाम कोशिश को दर्शाता है सरकार की को। बीएससी की मीटिंग पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, मांगों पे बोलिए, ये हटा दीजिए, आगे बोलो। बिजली लोडिंग शेडिंग के हिसाब से बार बार बिजली काटी जाती है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सरकार का कि गांवों में इतनी दयनीय स्थिति है कि रात को 8 से 9 घंटे तक बिजली काटी जाती है, और माननीय मंत्री जी असत्य बयान देते हैं सदन में, गुमराह करते हैं कि 2-2, 3-3 घंटे काटी जाती है। गांव में क्या इंसान नहीं रहते, वृद्ध नहीं रहते, क्या बच्चे नहीं रहते, क्या बीमार नहीं रहते, क्या गर्भवती महिलाएं नहीं रहती, जो गांव के साथ में दोहरी नीति अपनाने का सरकार का ये क्या कारण है? माननीय सदस्य, माननीय सदस्य वापिस जाइए, नो, इसे घूम के उधर। हम सब जानते हैं नो कि विश्व में सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है तो फसल का है, भविष्य फसल का भविष्य और किसानों का भविष्य मानसून को ऊपर निर्भर करता है, लेकिन किसानों के बहुत सारे आंदोलन करने के बाद भी एमएसपी का कानून आज तक लंबित भारत सरकार के पास है, उस पर कोई विचार नहीं किया। डिमांड पे बोलिए, पानी की डिमांड है, वन की है, किस पे है? अरे आप बोले सिंचाई एवं पेयजल, सिंचाई एवं पेयजल अलवर समस्या बहुत बड़ा चिंता का विषय है, सिंचाई एवं पेयजल समस्या जंगली बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इसलिए बिजली की बात कर रहे हैं। नहीं, बिजली क्या, फॉरेस्ट का जो इलाका है ना भाई, हमारे अलवर में फॉरेस्ट का इलाका है, उपलब्ध कराने बिजली नहीं होने से वो वन्य जीव बाहर आ जाते, इसलिए कह रहे हैं बिजली नंबर आए तो बिजली में, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेयजल के लिए बाहर आएगा ही आएगा। मुख्यमंत्री माननीय डिमांड पे बोले श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने 2017 में डीपीआर बनाई थी, जिसको आपस की टकरार की वजह से भारत सरकार ने उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। अगर 2017 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते तो आज तक तो पूरी राजस्थान की जनता पानी पीने के योग्य होती और पानी पीने को मिलता। आज 7 साल से इस स्कीम को भटका रहे, इसका फुटबॉल बना रखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, पूर्व मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब ने इसके लिए अथक प्रयास किए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने के बावजूद भी उनने हिम्मत और हौसला दिखाया और ये करके दिखाया कि 9,600 करोड़ रुपए की परियोजना है, इस बांध जैसी परियोजना को लागू किया, वो किसी और की हिम्मत नहीं थी, गहलोत साहब की थी, गहलोत सरकार की थी। जो आज आप बजट भाषण में प्रस्तुत करते हैं कि असत्य लिखते हैं कि हमने 9,600 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी किए, मैं ये कहता हूँ कि पिछले 7 महीने में वृद्ध योजना का राजस्थान सरकार के द्वारा ना तो कोई योजना की वित्तीय और फाइनेंशियल सैंक्शन निकाली गई है, ना कोई कार्य या आदेश जारी किए गए हैं। जो भी आज की तारीख में राजस्थान में विकास के कार्य काम चल रहे हैं, वो सारे के सारे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के द्वारा स्वीकृत कार्य ही प्रगतित हैं, ये सत्यता है और सत्यता पे आना चाहिए आप लोगों को। सरकार के वित्तीय बजट के बिंदु संख्या 111 के उल्लेख किया है कि 21 जिलों को 3.25 करोड़ जनता को, जनसंख्या को हम पेयजल उपलब्ध कराएंगे, 2.80 लाख हेक्टर भूमि को सिंचित करेंगे, लेकिन इसका कोई ठोस आधार नहीं है, ये केवल काल्पनिक फिगर हैं,
कोई ना तो कोई डीपीआर बनाई गई है इसकी, इसका एमओयू की बात जनवरी में करना अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक एमओयू की कॉपी सदन की पटल पर नहीं रखी गई है। उसमें क्या लिया गया है? 2017 डीपीआर में 3921 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता, लेकिन इसमें डीपीआर में जो अभी एमओयू किया है जिसमें 2412 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, लगभग राजस्थान को बंटवारे में 1509 क्यूबिक मीटर पानी मिलने का उल्लेख है। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि डीपीआर में वो सारा समावेश होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में पहले प्लानिंग हो, कौन कौन से बांधों को जोड़ा जाएगा, उनकी कितनी क्षमता है सिंचाई के लिए कल्पना करना। अगर आप बांधों को नहीं जोड़ोगे पूरे राजस्थान के को, तो वहाँ पानी कैसे मिल पाएगा? आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष मोदी जी के माध्यम से कि रियासत का डीपीआर में अलवर जिले के रियासतकालीन बांधों को इसमें जुड़वाने के लिए निवेदन है माननीय के माध्यम से, तहसील राजगढ़ के बागोला, धमरेट, ठेकड़ीन, कोटी नारायणपुर, प्रतापगढ़, बिगोता, देवती, सूरेर, खरगड़ा और बड़ला, रैणी की, पिनान, माचाड़ी, डगडगा, डेरा, धैदावन और तहसील लक्ष्मणगढ़ के लक्ष्मणगढ़, मौजपुर, झालटाला, गोरपाड़ी और कनवाड़ा, लीली, दिवली, हरसाना और अंता पाड़े बांधों को इस योजना में जुड़वाने का श्रम करवावे। बैठिए माननीय सभापति महोदय।